8,000 रुपए के लिए लड़की पर उड़ेल दिया तेजाब। पीलीभीत पुलिस ने 36 घंटों में आरोपी का किया पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक ऐसे अटैक का मामला सामने आया है। जिले में एक लॉ स्टूडेंट पर दो युवकों ने तेजाब फेंक दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक छात्रा और एक वकील बुरी तरह से झुलस गए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने अदालत में प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग उठाई, जिसके बाद पुलिस ने अपना पूरा दमखम दिखाते हुए आरोपियों को 36 घंटों के अंदर ही पकड़ लिया। पूरा मामला समझाते हुए IPS अविनाश पांडे ने बताया कि 13/8 को शाम 5 बजे के लगभग एक जो LLB की छात्रा है, जो एक अधीक्षक के वहाँ यहाँ दीवानी कचेरी में इंटर्न का कार्य करती हैं, उन पर किसी व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया था। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम सभी अधिकारी SOG की टीमें, सर्विलांस की टीमें और जो थाना प्रभारी क्षेत्र अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक हैं और जो हमारे क्षेत्र अधिकारी एंटरटेनी हैं, वो सभी लोग मौके पर पहुंचे थे। विस्तृत वार्ता की गई थी, जो बालिका पीड़ित बालिका और उसके परिजन थे उन सभी से वार्ता की गई। तत्समय उनके द्वारा कोई भी ऐसी शंका जाहिर नहीं की गई थी, लेकिन हम लोगों को कुछ इनपुट प्राप्त हुए थे। रात में ही हम लोगों को एक CCTV प्राप्त हुआ था जो हाईली सस्पिशियस था, जिसमें एक बुर्का पहने लड़का एक पेट्रोल पंप पे उस घटना स्थल के 3 किलोमीटर की दूरी में घूम रहा था। उस चीज़ों को जब डेवलप किया गया और टेक्निकल सर्विलांस देखा गया तो 36 घंटे के भीतर इस घटना का सफल खुलासा हमारी टीम के द्वारा किया गया है। उस सूचना पर जब आज सुबह हमारी टीम वहाँ मौके पर पहुंची जहाँ पर उस अभियुक्त की लोकेशन प्राप्त हो रही थी, तो उस अभियुक्त के द्वारा जो अभियुक्त इनके द्वारा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभियुक्त भी स्वयं एक अधिवक्ता के वहाँ जूनियर अधिवक्ता का कार्य करता है यही दीवानी कचेरी में। उन अधिवक्ता के वहाँ ये दोनों लोग साथ में काम किया करते थे। उसमें लड़की और लड़के की बातचीत होती थी आपस में। लड़के का जो उसने अभी हमें पूछताछ में बताया कि बहुत अच्छी बातचीत हुआ करती थी, लेकिन एकदम से लड़की ने इनसे बात करना बंद कर दिया। लड़की के द्वारा इन्होंने अपनी फीस जमा करने के लिए 8,000 रुपए लिए थे, जिसका तकादा उसके द्वारा सबके सामने किया जाता था, जो बात इसे नागवार गुजरती थी। इसने कई बार उस चीज़ को मना किया कि आप ऐसा मत कहिए, हम आपको पैसे वापस कर देंगे, और इसने कई बार उस बालिका से संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन इस लड़के का कहना है कि उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि पहले 2-2 घंटे 3-3 घंटे बातचीत हुआ करती थी। तो इसका ये कहना था कि जो बार बार तकादा किया जाता है और जो मेरी बदनामी हो रही है, अगर मैं ऐसी घटना कारित करूंगा, इनके द्वारा अपने एक साथी के सहयोग से बरेली से एक बहुत ही माइल्ड जो एसिड होता है, जो टॉयलेट क्लीनर के रूप में प्लास्टिक की बॉटल में आता है, वो यूज़ किया गया। इनका ये कहना था कि अगर हम कोई सीवियर एसिड यूज़ करते और डिसफिगरमेंट होता तो पुलिस हम पे बहुत सख्त कार्रवाई करती। इनके मन में कहीं से ये बात आई कि अगर हम बहुत हल्का एसिड यूज़ करेंगे और कोई बर्न ऐसा हुआ भी नहीं है जो डॉक्टर्स ने हमें बताया है, तो पुलिस हम पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करे। लेकिन इसमें जब आज इनको पकड़ने के लिए टीम गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा जो आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें इनके घुटने में गोली लगी है और इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनसे पूछताछ में ये बात पाई गई है कि इनकी आर्थिक स्थिति, जो इनका कहना है, वो ठीक नहीं थी, जबकि ये कार्य भी कर रहे थे और शायद घर में किसी की तबीयत खराब है, लेकिन इनके द्वारा इस जघन्य घटना कारित करने के कारण जो ये चीज़ें हुई हैं, इसमें पुलिस टीम ने लगातार लग के और 36 घंटे में लगातार जो हमारी टीम पीछे खड़ी हुई है पूरी देर जग कर, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया जिसमें इन्हें 20,000 रुपये का इनाम। देखा जाए तो पुलिस ने पूरे फिल्मी तरीके से आरोपी को पकड़ा, लेकिन आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया TV क्राइम अलर्ट।